पहला सवाल तो ये बताएं, आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे आप लोगों को घर बैठे बैठे पैसे कमाने का तरीका सिखाते हैं? इनमें 6 माह से 1 साल तो लग जाता है इंसान को फ्रीलांसिंग के काबिल होते थे, क्योंकि घर वालों ने आप पे तनकीद का निशाना नहीं बनाया कि आपने लॉयर बनाया, आपने पैसे लगा दिया? मैं तो तब से मैंने स्टार्ट किया कुछ और काम करना, जब ये इंटरनेट नहीं था तो मुझे कंप्यूटर नहीं आता था पहले। घर वालों ने ये नहीं कहा कि मुंडा तो कमांदा नहीं है, जो हिसाब किताब होता है मुंडा तो कमांदा नहीं, पहले जॉब लगेगी? लिहाजा उस वक्त की बात है कि मेरा कंप्यूटर में उस्ताद कोई नहीं है, मुझे जिद हो गई थी कि मैंने कुछ भी काम करना है तो मैं पाकिस्तान में ही रहना, यहाँ पे ही मरना पसंद करूँगा। घर बैठे किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं? क्या लाखों रुपए कमाना ख्वाब है या ये यकीन भी बदला जा सकता है? आज हम इसी तरह की पर्सनैलिटी के पास मौजूद है। पर्सनैलिटी का नाम है शहजाद अहमद मिर्ज़ा, जो कि आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाखों रुपए कमाने का तरीकाकार सिखाएंगे और आपको बाकायदा उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हम वेलकम करते हैं सर को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है? जी बेहतरीन, जबरदस्त। सर पहला सवाल तो ये बताएं, आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे आप लोगों को घर बैठे बैठे पैसे कमाने का तरीका सिखाते हैं? अच्छा, जादू की छड़ी नहीं है, इसमें स्किल्स ही होते हैं जिनको आप सेल करते हैं ऑनलाइन और इससे आप पैसे कमाते हैं। असल मसला ये है कि बेशुमार लोग चाहते हैं कि वो कोई ऐसी कोई ऐप हो या ऐसा कोई क्लिक करें और देखें, चार्ट्स देखें और पैसे कमाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। असल जो तरीका इसका होता है, कोई ना कोई ऐसा स्किल चाहिए आपको जो स्किल आप ऑनलाइन सेल कर सकें एज ए फ्रीलांसर, फिर आप पैसे कमाते हैं। अब मसला ये आता है, जो स्किल्स हैं ये सीखने में टाइम खर्च होता है अच्छा खासा, इनमें 6 माह से 1 साल तो लग जाता है इंसान को फ्रीलांसिंग के काबिल होते होते, क्योंकि कोई भी स्किल आप सीखती है उसको लगते हैं 2 से 3 माह, लेकिन उसको प्रैक्टिस करते हुए आपको लगते हैं कुछ 6 माह से 1 साल। हमारे पास जो कोर्स है जो हमारा फ्री में दस्तयाब है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसमें इस वक्त 38,000 लोग हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं। इनमें से बेशुमार लोग पैसे कमाना शुरू कर चुके हैं ये फ्री कोर्स देख के। ये फ्री कोर्स में छोटा सा स्किल है जो कि 5 लेक्चर्स हैं, अगर आप देखें वहाँ पर 5 लेक्चर्स में स्किल सीखना पॉसिबल है। अगले जो 5 लेक्चर्स हैं उनमें सिखाया गया कैसे आपने फ्रीलांसिंग करनी है, कैसे इंटरनेट पे आपने अपनी स्किल्स को सेल करना है। तो सारा जो प्रोसीजर है ये बहुत ही आसान है। इसमें 10 लेक्चर्स हैं जिनके अंदर आप शुरू से लेकर स्किल को सीखने से लेकर कल को आपने एज एजेंसी कारोबार को कैसे बड़ा करना है, यहाँ तक ये सारा कुछ शामिल है। तो सिर्फ 10 लेक्चर जो कि 20-25 मिनट का एक लेक्चर है, इतना टाइम चाहिए। अगर कोई बंदा इसे अच्छे अंदाज से करे, इस स्किल को सीखते हुए इंसान को सारा जो टाइम इसके लिए चाहिए कोई मैक्सिमम 10 से 15 दिन चाहिए। इसके बाद उसने इसको सेल करना है। तो असल में जादू की छड़ी जिसे हम कह सकते हैं वो ये थी कि स्किल ये सीखना इंतहाई आसान इंतहाई स्पीड वाला है। सही, आपको शुरू से मालूम था कि आपने इस फील्ड में जाना है या पहले किसी और जगह पर आपने ट्राई किया, फिर आप किसी और जगह पर गए और फिर आपकी लाइफ स्टोरी क्या है? हाँ जी, लाइफ स्टोरी बड़ी अजीब सी है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो तब से मैंने स्टार्ट किया कुछ और काम करना, जब ये इंटरनेट नहीं था तो मुझे कंप्यूटर नहीं आता था पहले। तो मेरी जो पहले जो फील्ड थी वो थी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, मुझे ये था मैं मैकेनिकल के अंदर जाऊँगा, मैं काम करूँगा। मैंने कुछ काम किया भी, लेकिन उसी दौरान में जब कंप्यूटर का दौर जब आया तो मैंने जब इसको देखा, मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ। मैं अपने काम तो साथ में करता रहा लेकिन साथ में इसको सीखना शुरू किया। ये बात है आज से 21 साल पहले की, सन 2000 की। तो उसके बाद फिर मेरा मुकम्मल इंटरेस्ट यहाँ पे चला गया और मुझे ये कैरियर स्विच करने पड़े बार बार। इवन ये भी कि मैं लॉयर भी हूँ, तो मैं फिर प्रैक्टिस पैर करता रहा, फिर इसके बाद छोड़ दी। अच्छा, लॉयर होते हुए फिर आपने छोड़ दी? जी उसकी वजह पैसे या कोई और चीज़ नहीं थी, मेरा ज़ाती इंटरेस्ट था, मुझे ज़्यादा अपील करती थी ऑनलाइन जो लाइफ थी, अपील करती थी ज़्यादा। मैंने इसलिए फिर ये काम को अडॉप्ट किया, लॉयर को एज ए प्रैक्टिस में नहीं लेके जा रहा। घर वालों ने आप पे तनकीद का निशाना नहीं बनाया कि आपने लॉयर बनाया, आपने पैसे लगा के आपने छोड़ दिए? अच्छा, बता क्या, तनकीद आपके ऊपर लाजमी होती है अगर आप ज़िंदगी में बेहतर करना चाहें।
लेकिन एक बात बहुत अहम थी कि मेरे वालद मोहतरम जब हयात थे वो मुझे सपोर्ट करते थे इस मामले में। वो कहते थे कोई भी मॉडर्न चीज़ है जो कि आपको बेहतर नज़र आ रही है आप उसकी तरफ रिसर्च लाज भी करो। ये उनकी मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ। तो मुझे घर से कम अज़ कम रुकावट ये दरपेश नहीं थी कि आप ये काम ना करो, और मैं इस हवाले से खुश नसीब था। ये तनकीद नहीं, बाहर से जो तनकीद थी ये सारी लाजमी हुई। अच्छा, तो फिर आपने लॉयर छोड़ के फिर आप जो है वो ऑनलाइन की तरफ आ गए। जी जी सर, आप पे एक दफ़ा बड़ा सख्त दौर भी आया था जब आपके पास कोर्स करने के पैसे नहीं थे। जी जी, तो उस टाइम पे आप मायूसी से और परेशानी से कैसे बचे? अच्छा, ये वो टाइम था, मैं अभी स्टूडेंट था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, बस घर के हालात भी अच्छे खासे ख़राब हो चुके थे। मुझे कहीं से स्कॉलरशिप मिला, तब एक 10,000 का कोर्स था और उस वक्त 10,000 अच्छी खासी रकम थी। तो मुझे ये स्कॉलरशिप मिला, मुझे कोर्स के सिर्फ 265 रुपये जमा करवाने थे, तो मैं 265 ना करवा सका। जी ना करवा सका, तब फिर मुझे अफसोस इसका अच्छा खासा हुआ। एक हफ्ता तो यानी कि अच्छा खासा दिमागी तौर पर मैं बड़ा टेंशन में रहा कि क्या मैं ऐसे ही रहूँगा, क्या मैं कोई नई चीज़ सीख नहीं पाऊँगा। तो इसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि मैं जो मुझसे पॉसिबल होगा मैंने लाजमी करना है। तब से पता क्या, मेरे पास पैसे नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था और इंटरनेट नहीं था। ये तीनों चीज़ों की अदम दस्तयाबी के बावजूद मैंने थोड़े से पैसे आने तो मैंने एक इंटरनेट कैफे में जाके, तो वहाँ पे जाके लोग इंटरनेट पे चैट करते थे, उन दिनों बड़ा ट्रेंड था चैट का, तो मैंने जो है ये काम शुरू किया वहाँ पे, इवन पेंट और बाकी सारी चीज़ें खोल के देखना शुरू की। लिहाजा उस वक्त की बात है कि मेरा कंप्यूटर में उस्ताद कोई नहीं है, मुझे ज़िद हो गई थी कि मैंने कुछ भी काम करना है। तो मुझे अगरचे उस्ताद के बगैर देखें काम कर लेते हैं, टाइम अच्छा खासा लगता है, मुझे भी टाइम लगा काफ़ी। अच्छा सर, इस दौरान आपको कभी प्यार हुआ? या वो शर्मा गए मतलब कि कुछ तो है। बात यह है कि प्यार इंसान को ज़िंदगी में लाजमी होता है, इंसान उसका ना इजहार करता है या नहीं करता। और ये है कि इस दौरान में हुआ, और जिसे हुआ आज वो हमारे घर में है। अच्छा तो हमारी जो शादी को माशाल्लाह कोई 14 साल हो चुके हैं, तो मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, हम इकट्ठे तो दे रहे हैं। घर वालों ने ये नहीं कहा कि मुंडा तो कमांदा नहीं है, जो हिसाब किताब होता कि मुंडा तो कमांदा नहीं, पहले जॉब लगेगी तो फिर होएगा। आप इस मामले में खुश नसीब निकले या? अच्छा बता क्या, हमारे ना घर में मसला ये नहीं था कि कमाने ना कमाने का, हालात हमारे ख़राब थे लेकिन सोचें बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ये बात थी कि जो चंद चीज़ें चाहिए, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो मैनेज कर लें, बाकी कोई मसला नहीं था। तो शादी को मैं कहता हूँ मशरूत तो नहीं करना चाहिए ना इंसान को। इंटरनेट में बहुत से फ्रॉड हो जाते हैं, अब वो फ्रॉड पहले तो बताएं क्या होते हैं और किस तरह से हम फ्रॉड से बच सकते हैं। अच्छा, पहली बात पता क्या, फ्रॉड से बचने का पहला असूल कि अपने अंदर आसानी और ज़्यादा पैसे कमाने का लालच खत्म कर देना चाहिए। इंसान से ना फ्रॉड तब होता है जब वो तन आसान होता है, जब वो चाहता है कि मुझे कोई थोड़े पैसे खर्च करूँ तो मुझे आके पैसे मिलने शुरू हो जाए। इंसान को ये चीज़ जो है इस फ्रॉड की तरफ लेके जाती है। जब वो कोई प्रॉपर स्किल सीखता है, वो स्किल को जब वो कहीं आगे बेचना चाहे तो स्किल तो देखिए बिकेगा, चाहे ऑफलाइन में बिकेगा, वो नकारा नहीं होगा, तब बंदे के साथ फ्रॉड नहीं होगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। लेकिन देखें फ्रॉड कैसे होते हैं। आज से ना एक डेढ़ माह पहले एक बच्चा जिसने मुझसे रब्ता किया, तो वो मेरे साथ रबते में था, लेकिन अचानक उसके बाप ने बताया कि उसने सुसाइड अटैम्प्ट की और ये एक हफ्ता हम लोग उनके पीछे लगे रहे, उनके बच्चे को फिर जान बच गई, बच्चे की उनको हॉस्पिटल में लेके जाना बाकी सारा काम। तो बाद में उस बच्चे को मैंने यहाँ पर बुला लिया अपने पास क्लास में, तो उसे असल ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। हुआ ये था कि एक ऐप थी ऐसी जो ऐप में बच्चे के तई वहाँ पे 1,70,000 डॉलर्स उसने कमाए। तो मैंने उसे कहा कि इतनी बड़ी रकम जो है ऐसे नहीं कमाई जाती, तो ये सारा फ्रॉड है। उसके चेक किया, उसकी जो ऐप्स थी ये फजूल ऐप्स हैं जिसमें क्लिक करें फ्लॉन्ग करें ये करें और पैसे आते हैं, ये ऐसा नहीं होता। तो वो बच्चे ने उससे दिल बर्दाश्त हो के, क्योंकि पैसे इतने उसे नज़र आ रहे थे लेकिन मिले उसे कुछ भी नहीं। जब उसके अकाउंट से अचानक गायब हुए तो बच्चे ने ये अटैम्प्ट किए। उसके बाद बच्चे को फिर काम सिखाया हमने ताकि वो बच्चा काम कर सके। फ्रॉड इंसान से होता है जब इंसान को लंबा सफ़र करने से टेंशन होती है,
जब वो कहता है मैं प्रॉपरली कोई चीज सीखूं ना, बस मुझे पैसे आ जाए, वो शॉर्टकट की तरफ आ जाए। हाँ जी, वो उसी मरवाती है चीजें। तो सबसे बड़ी बात ये, कोई भी ऐसी ऐप नहीं है जो ऐप पे आप क्लिक करें, ऐसे देखें, उसे शेयर करें लोगों से, या MLM के टाइप की चीजें, पोंजी स्कीम्स या और सब कुछ, ये पैसे नहीं देती, ये सब फ्रॉड होती है। असल चीज वो है, अगर आप अपनी कोई चीजें बेचते हैं नेट पे, या फिर आप अपनी सर्विस बेचते हैं, अगर दोनों में से एक चीज है, आपके पास जाती चीजें हैं जो आप बेच रहे हैं, या फिर बड़े वेल नोन स्टोर्स हैं, हम भी करते हैं काम Amazon affiliate का, वेल नोन स्टोर्स हों, उनकी चीजें आप बेचते हो तो उनसे कमीशन लेते हो, ये ठीक है। Amazon भी देती है ना कमीशन, eBay भी करती है, इसे कहते हैं अफिलियट कमीशन। अफिलियट कमीशन जो है, आपने चीजें बाय नहीं करनी, आपने उन्हीं की चीजें आगे सेल करनी है और पैसे कमाने हैं, ये चीज ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं कोई चीज ना बेचूं, या मैं कोई सर्विस ना बेचूं और वो पैसे आएंगे, ये सब फ्रॉड होगा। पहले आप मुझे बताएं कि माइंडसेट क्यों है पाकिस्तानी लोगों का, क्यों लोग अपने बच्चे को पैदा होते साथ ही जॉब पे लगा देते हैं, कारोबार की तरफ लाते नहीं है, रिस्क ज्यादा होता शायद, और IT की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसकी क्या वजह? इसकी पहली बात ये थी कि लोग अपने बच्चों को जॉब के लिए ट्रेन करते हैं, उसकी वजह यार पाकिस्तान में देखिए हर बंदा इनसिक्योर फील करता है मेंटली, अगरचे हालात ठीक होंगे। हाँ जी, लेकिन मेंटली वो करेगा क्या, अगर उसके पास पैसा आएगा अभी ना, अगर कमा भी लिया उसने, कोशिश करेगा ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करे जहाँ से उसे आइंदा फ्री में पैसा आता रहे, जैसे कि बिल्डिंग लेके रेंट पे करना, अगर आप अच्छा पैसा कमा ले, हर बंदा कर देगा ऐसे, ऐसे रेंट पे कर देगा, उसके रेंट खाता रहेगा ऐसे। या दो रवैये जो है इंसान को तंग करने वाले हैं, जो कि आइंदा उसकी तरक्की नहीं होने देते। पहला रवैया उसका ये होता है कि वो इनसिक्योर फील क्यों करता है। अगर वो बंदा वो पैसे जो आते हैं उसे री इन्वेस्ट करेगा, तो इससे कई और लोगों के रोजगार चलेंगे। दूसरी बात ये थी कि अगर वो उसे री इन्वेस्ट करता है, उसका पैसा बढ़ के आएगा। तो यहाँ पे जो खौफ है उनके अंदर ये कि शायद मैंने एक बार कमा लिया तो पता नहीं मैं कमा ना पाऊँ, अपने ऊपर और हालात के ऊपर उनके ऊपर इत्माद की कमी है। दूसरी बात यह है कि वो लोग तानसान भी हैं, लोग चाहते हैं कि हम जो मर्जी करें, फिरे घूमें खाएं पिए, हमें पैसे आते रहें। तीसरी बात यह है कि हमारे माशरे में पैसा सबसे मेन पैरामीटर है किसी की शख्सियत को जांचने का, तो ये नहीं होना चाहिए था। पैसा तो उसके देखिए एक ड्राइविंग फोर्स, पैसा नहीं चाहिए, ड्राइविंग फोर्स कुछ और चाहिए, पैशन चाहिए था। तो ये तीन वजूहात की बिना पे यहाँ पे माइंड सेट ही हमारा ऐसा है जिसको चेंज करने की जरूरत है। हमारे जो बड़े हैं, हमें चाहिए अपने बच्चों को हम कहें कि आप पैसे को फोकस ना कीजिए, आप सिर्फ काम को फोकस कीजिए। मैंने पूरी जिंदगी में कभी भी पैसे को फोकस नहीं किया, आज भी, आज से 20 साल पहले जब मेरी पॉकेट खाली थी तब भी मैंने फोकस नहीं किया। लेकिन जब मैंने काम किया, मैंने काम को जहन में रख आगे बढ़ा, मैंने स्किल सीखे, मजीद सीखे, पॉलिश किए, तो फिर पैसे तो आ गए। तो इसलिए प्राइमरी फोकस आपका पैसे ना हो। दूसरी बात थी कि आपका सवाल था कि IT की तरफ क्यों नहीं लेके आते। अच्छा, IT चूंकि एक नई फील्ड है कई लोगों के लिए, मैं तो अगरचे पुराना हूँ इसमें, लेकिन बाकी कई लोग हैं जो भी नए नए उनको जानते हैं ना थोड़ा सा चंद सालों से, IT की तरफ प्रॉपरली रवैया अभी वो नहीं बन सका। इसके लिए पूरी एक नस्ल चाहिए, जो हमारा जो कल्चर चल रहा है ना, इसमें एक नस्ल चाहिए, नई नस्ल आ के तो अगली नस्ल को प्रॉपरली IT को एज ए कैरियर मौका देगी। लेकिन हमें चाहिए कि यहाँ पे अपने बुजुर्गों को ये मशवरा है कि वो बच्चों को लाजमी फैसला करने दें कि भाई आपने जाना है IT में जाओ। IT के अंदर तो बेशुमार ऐसी जगह हैं जो अभी फिल नहीं हुई, बेशुमार गैप्स हैं जिनको फिल करना पॉसिबल है। अगर ये फिल करते हैं तो बच्चे अच्छे खासे फिट होंगे, फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छा खासा बिल्ड करना आसानी से पॉसिबल होगा। अच्छा सर, आपने महरूमी देखी है, अब आप उस महरूमी को कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए आप क्या खदमात दे रहे हैं? क्योंकि जो हालात में जो इंसान ने सफ़र किया होता है, इंसान की कोशिश ही होती है कि वो बाकी लोग कब ना करें, तो आप ऐसी क्या सर्विस दे रहे हैं, या आपका अदारा डिज़ाइन वैली जो है, ये क्या कोर्सेज वगैरह किस तरह से लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा तफ़सील बता रहे हैं? हाँ जी, इसकी पहली बात यह है कि हमारा जो इदारा है यहाँ पर, ये इदारे में हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग करें, उनको उनको सिखाएं। अब ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग डिफरेंट चीज़ है, बाकी जितने भी जो IT के इदारे हैं सारे, वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, IT पढ़ाई जाती है। जबकि मेरा ये ख्याल है पढ़ाना नहीं चाहिए, सिखाना पहले चाहिए। IT एक स्किल है, आपको ये स्किल सिखाना चाहिए।
अगर आप सिखाते हैं तो बच्चे कल को इंशाल्लाह अच्छे खासे अंदाज से फिट होंगे। मेरे पास ना अभी तक 10,000 बच्चे पढ़ चुके हैं, इनमें से बेशुमार बच्चे फील्ड में फिट हैं, बेशुमार बच्चे घर बैठे अपने पैसे कमा रहे हैं और कई बच्चों की अपनी जाती आईटी कंपनीज हैं मेरे शागिर्दों की। तो हम जो काम कर रहे हैं, जो पहली बात तो हमारा एक कोर्स है GBOB, ये कोर्स हमारा जो वेलफेयर प्लान था उस वेलफेयर प्लान के तहत है, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल पे ये कोर्स फ्री में दस्तयाब है। और इस कोर्स को करके आपको मैं कल परसों हमारी एक स्टोरी आने वाली है, हमारी एक बच्ची है जिसने यूट्यूब से इसको देखा है और 10 दिन में उसने $1,000 कमाया उसने, और ये फिलहाल रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। इससे पहले लोगों ने कमाए पैसे, हमने स्टोरीज दी भी हैं लेकिन पैसे कम थे और उनका टाइम भी ज़्यादा था। इससे इस बच्ची ने 10 दिन के टाइम पे $1,000 कमाया और हमसे रबते में है बच्ची, वो माशाल्लाह मजीद काम कर रही है। और ये बरकते सारी देखिए एक फ्री कोर्स की बरकते हैं, वो फ्री कोर्स हमारा पेड कोर्स भी होता है हमारे इदारे के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पे बिल्डिंग के खर्चा बाकी सब कुछ होता है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, हम हर एक को कहते वही हैं, आप नेट पे फ्री कोर्स कर लो। जो बंदा वहाँ पे नहीं कर पाएगा, उसे एक्स्ट्रा असिस्टेंस चाहिए, उसे कोई मजीद हेल्प चाहिए, कहीं आके बैठ के करे, वो हमारे इदारे में आकर करते हैं, यहाँ पे फीस पे करते हैं वो। यानी कि सर का जो कोर्स है वो यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं। जी जी, आप ट्रैवलर भी हैं जी, तो आपने माशाल्लाह से पिछले दिनों ग्वादर गए थे आप, तो कैसा पाया आपने? अच्छा, ग्वादर मैंने ऐसे पाया जैसे हमारे पास ना हीरा हो और हीरे को ना हमने थोड़ा सा बाहर निकला है, बाकी सारा मिट्टी में छुपा हो, हम उसे अभी तक ज़्यादा बेहतर नहीं कर सके। अगर कुदरत की बात देखें तो कमाल है, वन पे वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो कई चीज़ें ऐसी, मैं एक बार रिसर्च कर रहा था वोल्केनोज में, तो वोल्केनोज में एक वैरायटी है मड वोल्केनोज, तो ये मैंने कहा ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, अच्छा ये भी होते हैं, तो पता चला कि बलूचिस्तान में ग्वादर के इलाके में 70 हैं, दुनिया के चंद इलाकों में है और पाकिस्तान में 70 है। इस तरह जो बाकी उसका जो ओवरऑल जो सीन है, उसके जो बाकी जो उसकी जो जो लोकेशन है, ये बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे खैर हमने जो दिन गुजारे, हमारी यादगार दिन है वो, हमने जैसे समुंदर के किनारे पे, जैसे वहाँ पोर्ट पे जाके उसके रास्ते जो थे दूर तक, वहाँ पे वो जो आते हैं क्या कहते हैं टोर्नेडोज, वो रास्ते में अच्छे खासे आते हैं वहाँ पे, ओवरऑल पूरा रास्ता ही इसका यानी कि बेहतर लगा। दूर तक आपको कोई बंदा नज़र नहीं आता, साइडों पे सरा, सेंटर में से रास्ता, और कुछ लोगों की चॉइस ये होती है जो हमारे तरफ होते हैं ना खाक नशीज होते हैं, जो जिनको होता है कि कोई खास चीज़ नहीं चाहिए सोने उठने के लिए, तो वो पता क्या उन लोगों की ये मट्टी भी पसंद है जो उठती है, तो मुझे तो वो मट्टी भी पसंद आई अच्छी खासी, बहुत कमाल थी। सर इसके अलावा आप कौन कौन सी जगह पर जा चुके हैं इंटरनेशनल? तो अच्छा बता क्या इंटरनेशनल जो है ना, मैं यूके जा चुका हूँ, मैं दुबई में है और चंद एक और कंट्रीज हैं यहाँ पे जा चुका हूँ। आपकी फेवरेट कौन सी है? अच्छा मेरी फेवरेट नहीं है, फेवरेट कोई नहीं है। अगर मेरी फेवरेट होती तो मुझे 3 बार जो है वो ऑफर हुई थी इमिग्रेशन, तो 3 बार मैंने रिफ्यूज़ की थी USA की इमिग्रेशन, तो 1 बार मेरे लिए ऑप्शन मुकम्मल महफूज है। अब मैंने आज तक अमरीका नहीं गया, मेरे लिए ऑप्शन मौजूद है, मेरा अमेरिका में ऑफिस है, मेरा अमेरिका में मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरी कंपनी है, मैं वहाँ नहीं गया। उसकी वजह यह थी मुझे सिर्फ पाकिस्तान पसंद है, ये कोई बात बढ़ाने वाली नहीं थी, तो मैं पाकिस्तान में ही रहना, यहाँ पे ही मरना पसंद करूँगा, बाकी विजिट करता हूँ मैं जहाँ भी जाऊँ, मुझे तो इसके अपने इलाके से पसंद है काफ़ी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और जितने भी मेरे लोग सुनने वाले देखने वाले हैं, सर का यूट्यूब पे चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सर का जो दिया हुआ, वहाँ पे आप लोग सर का चैनल चेक कर सकते हैं और सर से सीख सकते हैं और सर से बकायदा काउंसलिंग वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हारून इकराम साहब का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। हारून इकराम साहब बहुत ही नाइस पर्सन है, आज हमारी मीटिंग हुई, हमने बहुत सारी बातें की और मुझे बहुत सारा इल्म सीखने का मौका मिला इनसे, तो इनका चैनल लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी वो इल्म लाजमी हासिल कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा।